फाइनली मेरा न्यू अपडेट आ चुका है। मैं अपना न्यू अपडेट जल्दी से कर लेता हूँ। अपने न्यू अपडेट को करने के बाद जैसे मैं अपना गेम ओपन करता हूँ तो मेरे को अपने गेम में एक न्यू जेट भी देखने को मिल जाता है। और आप लोग देख सकते हो ये वाला जेट काफी ज्यादा अमेजिंग देखने को मिला। तो इस बार के अपडेट में अपना न्यू जेट भी आ चुका है। फाइनली अपने गेम में ऑटो रिक्शा का भी चीट कोमर आ चुका है। और फाइनली हमारे गेम के डेवलपर तरफ से न्यू एंडेवर कार का चीट कोमर और अपने न्यू स्पाइडर का चीट कोमर भी आ चुका है। तो यार इतने सारे चीट कोमर आए तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। कार शोरूम भी मिल चुका है। तो कार शोरूम की लोकेशन क्या होने वाली ये भी आप लोगों में बताने वाला हूं। न्यू अपडेट आप लोगों को करना पड़ेगा जब भी आप लोगों के गेम में ये सारी चीजें स्पॉन होने वाली है। तो अब न्यू अपडेट को मैंने कैसे करा, आप लोग कैसे कर सकते हो, चलो आप लोगों को दिखाता हूं। न्यू अपडेट को करने के लिए इंडियन मैक्स डे प्ले स्टोर पे सर्च करना है। यहां पे आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाए तो अपडेट कर लेना। अगर आप लोगों का यहां पे अपडेट देखने को मिला है तो आप लोगों का गिलिच आ रहा है तो अब गिलिच को कैसे चेक करना है, यहां पे थ्री डॉट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। चलो पूरी सेटिंग में आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कि गिलिच को कैसे हटा के आप लोग अपडेट कर सकते हो। न्यू अपडेट के सारे चीट को मैं भी बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करते हो आप लोग अपने गेम में काफी ज्यादा सीरियस चीट को मिस कर दोगे जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो मैं आप लोग अपने गेम में न्यू अपडेट के सारे चीट को मैं बता दूं। जैसे मैं अपने न्यू अपडेट के चीट को मैं करो बेस बेस आप लोग भी करना है बिना किसी के रुक बैठो करने फिर से। और आज की जो वीडियो होने वाली वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपने गेम में न्यू अपडेट में आने वाले चीट कोमर बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को अभी तक नहीं पता होंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग प्ले स्टोर से न्यू अपडेट कैसे कर सकते हो एंड मैंने अपने न्यू अपडेट प्ले स्टोर से कैसे करा है, क्योंकि काफी अंदर मेरे पास कमेंट करके बोल रहे हैं भाई अपडेट कब तक देखने को मिल जाएगा। तो अपडेट भाई आप लोग अभी भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहले आप लोगों को सीक्रेट सेटिंग बताऊंगा, उसके बाद आप लोग अपने गेम में न्यू अपडेट में चीट कोमर बताऊंगा। जैसे कि न्यू अपडेट के चीट कोमर न्यू स्पाइडर, न्यू ऑटो रिक्शा, न्यू एंडेवर कार, न्यू जेट और अपने गेम में जो कार शोरूम है वो कहां पे देखने को मिलेगा, ये सारे चीट को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने न्यू अपडेट को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने गेम में सारे न्यू अपडेट के चीट को मैं भी देखने वाले जो हमारे गेम के डब्ल्यूसी में मेजर प्रोवाइड हो चुके हैं। तो आप लोग अपने गेम में जैसे प्ले स्टोर पे जाना है पहले तो एड प्ले स्टोर पे जाके आप लोगों को सर्च करना है इंडियन बैकग्राउंड 3D। तो यहाँ पे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पे अपडेट काफी अंदर का ऑलरेडी देखने को मिला होगा। तो भी आप लोग अपना अपडेट कर लेना, लेकिन जिनका अपडेट देखने को नहीं मिला आप लोग अपने गेम में यहाँ पे 3D का ऑप्शन देखने को मिला। चलो पूरी सेटिंग हम लोग लास्ट में देखेंगे कि न्यू अपडेट को सीक्रेट तरीके से कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग अपने गेम में न्यू अपडेट के चीट को मैं बताता हूँ, उसके बाद लास्ट में भी बताऊंगा कि आप लोग अपने गिलिच को कैसे सही कर सकते हो एंड अपने न्यू अपडेट प्ले स्टोर से कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को अपने गेम में सबसे पहले चीट कोमर बताना चाहूंगा, अपने कौन से चीट कोमर से न्यू स्पाइडर को स्पॉन कर सकते हैं एंड कौन से चीट कोमर स्पाइडर का होने वाला है। पहले आप लोग देख सकते हो मैंने अपने गेम में स्पाइडर को इजी तरीके से स्पॉन करवा लिया और अपने स्पाइडर जो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। और अपने जो स्पाइडर है वो कितने ज्यादा ऊपर उड़ उड़ के मेरे पास में आ रहे हैं और कितने ज्यादा डेंजरस भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग अपने गेम में जो स्पाइडर है वो आप लोगों को साइड इस तरह से आएंगे और भाई काफी ज्यादा डेंजरस देखने को मिले, इनसे तो मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है। तो अपने गेम में जो स्पाइडर है वो इसी तरह से आप लोगों को उड़ते उड़ते आएंगे और आप लोगों को मारना स्टार्ट कर देंगे और आप लोग अपने गेम में कार के अंदर बैठ जाओगे तो भी ये नहीं मरेंगे। आप लोग अपने गेम में आप लोगों को इनके ऊपर फायर करना पड़ेगा जब भी इसी तरह से मर जाएंगे, बट आप लोग उसके ऊपर फायर करोगे उसके बाद ये बहुत मुश्किल से मर पाएंगे, ठीक है। तो अपने गेम में इसका जो सीक्रेट चीट कोमर आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं और साथ ही आप लोग अपने गेम में ज़ॉम्बी का चीट कोमर भी बता देता हूं, ठीक है। जैसे आप लोग अपने गेम में डायल करोगे 20 एंड उसके बाद डायल करोगे 30, ठीक है, 20-30 डायल करोगे आप लोग के गेम में ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे। और आप लोग देख सकते हो मैंने एक ही चीट कोमर डायल करा बट बहुत सारे ज़ॉम्बी ऑलरेडी एक ही चीट कोमर से स्पॉन हो चुके हैं 20-30 से, ठीक है। आप लोग अपने गेम में इसी तरह से अपने स्पाइडर को भी स्पॉन कर सकते हैं। वो चीट कोमर कौन सा होने वाला है चलो मैं आप लोगों को वो भी चीट कोमर जल्दी से बताता हूं जिसकी वजह से स्पाइडर को इजी तरीके से स्पॉन कर पाए। तो भी आप लोगों को अपने गेम में स्पाइडर को स्पॉन करने के लिए आप लोगों को जाना इजी तरीके से नंबर में एंड उसके बाद आप लोगों को डायल करना है पे 3 एंड उसके बाद आप लोगों को डायल करना है 0 एंड उसके बाद 1। चलो गाइस इसका चीट कोमर मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा अपने गेम में ऑटो रिक्शा, न्यू एंडेवर एंड अपने गेम में न्यू जेट का चीट को नंबर, ठीक है। उसी के साथ मैं आप लोगों को अपने गेम में न्यू कार शोरूम की लोकेशन भी बता देता हूं जो कि काफी लोगों को अभी तक नहीं पता है। तो कार शोरूम की लोकेशन पे आप लोगों को मैं जल्दी से लेकर चलता हूं। तो आप लोगों को ध्यान से देखना इस वीडियो को जब भी आप लोग अपने गेम में काफी ज्यादा न्यू चीट कोमर मिल पाएंगे आप लोगों को। तो अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक मार दो, सब्सक्राइब करो। केवल आप लोगों के लिए मैंने 6000 लाइक का टारगेट रखा है, कंप्लीट कर दोगे आप लोगों के ऊपर मुझे काफी ज्यादा भरोसा है। और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया, मेंबरशिप को ज्वाइन करोगे तो सेकंड वीडियो में आप लोगों का शॉर्ट आउट देने वाला हूं। तो आप लोगों को अपने गेम में घर से बिल्कुल सीधा आना है जैसे कि मैं आया हूं और सामने की साइड आप लोगों को यहां पे कटक से नीरे देखने को मिल जाता है। बट अपना कटक से नीरे तो पहले भी देखने को मिलता था लेकिन पहले आप लोगों को अपने गेम में इसकी लोकेशन पे यहां पे कार शोरूम देखने को मिलता था, लेकिन आप लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं गई भाई अपने गेम में इस बार के अपडेट में कार शोरूम को ऐड करवा दो। तो भाई अपने गेम में कार शोरूम तो ऐड हो चुका है लेकिन उसकी लोकेशन कहीं और देखने को मिलती है राइट नाउ। अभी आप लोग अपने गेम में इस जगह पे पहले जहां पे कटक से नीरे है इस जगह पे पहले हमको कार शोरूम देखने को मिलता था, बट इस बार के अपडेट में यहाँ पे कार शोरूम से रिमूव कर दिया गया और उसकी लोकेशन चेंज कर दी गई, ठीक मतलब रिमूव भी हो गया था। बट अब जब दोबारा से कार शोरूम आ चुका है तो उसकी लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूं।
एंड अपने गेम में जो कड़क से नहीं रहा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, काफी प्यारा है, ठीक है। तो अपने गेम में जल्दी से हम लोग लोकेशन पे चलते हैं, आप लोगों को कार शोरूम कहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो हमारे जो गेम के डेवलपर है फाइनली इस बार के अपडेट में कार शोरूम को ऐड करने वाले, लेकिन कहाँ पे ऐड करने वाले वो आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ। तो आप लोग अपने गेम में जो कार शोरूम की लोकेशन वो देखने को मिलने वाली है, वो देखने को मिलने वाली है इस वाली लोकेशन पे, जो कि आप लोग यहाँ पे इजी तरीके से देख सकते हो। ये जो लंबा चौड़ा ग्राउंड है काफी ज्यादा बढ़िया, तो इस बार के अपडेट में कार शोरूम आप लोगों को अपने गेम में इस वाले चौराहे पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने गेम में कार शोरूम को भी एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो इस बार के अपडेट में ये पहले अपने गेम में ओल्ड वाले वर्जन में देखने को मिलता था ये वाला कार शोरूम, तो इस बार के अपडेट में ये वाला जो कार शोरूम है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जगह आप लोग अपने गेम में ये वाला कार शोरूम आने वाला है, जो कि हमारे गेम के तरफ से रिलीज हुआ है, ठीक है। अभी आप लोग अपने गेम में बताऊंगा कौन से चीट कोमर से न्यू एंडेवर कार को स्पॉन कर सकते हो और कौन से चीट कोमर से ऑटो रिक्शा को भी स्पॉन कर सकते हो। तो आप लोग अपने गेम में इसी तरीके से न्यू ऑटो रिक्शा का चीट कोमर आप लोगों में जल्दी से दिखाता हूं। तो गाइस पहले आप लोग यहां पे देख सकते हो मैंने अपने गेम में ऑटो रिक्शा को ले लिया और ऑटो रिक्शा को मैं इसी तरीके से अपने गेम में एंजॉय भी कर पा रहा हूं। बट अपने गेम में जो ऑटो रिक्शा है मैं उसका कलर चेंज नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोग बता दूं हमारे जो गेम के डेवलपर है उन्होंने ऑटो रिक्शा को तो ऐड कर दिया, लेकिन उसके ऊपर आप लोग क्लोथ चेंज नहीं कर पाओगे एंड आप लोगों को भी ब्लैक कलर में ऑटो रिक्शा देखने को मिलेगी, ऑटो रिक्शा का सीक्रेट चीट कोमर, जिसके मदद से आप लोग ऑटो रिक्शा को इजी तरीके से स्पॉन कर पाओ। तो इस बार के अपडेट में गेम के डेवलपर तब से ये पूरा फिक्स मॉडल आ चुका है निकल के, और गेम के डेवलपर ने बोल दिया ऑटो रिक्शा पे पूरा वर्क कंप्लीट हो ही चुका है और ऑटो रिक्शा को मैंने पूरा कंप्लीटली ऐड कर दिया। अब अपने फोन के अंदर चीट कोड नंबर ऐड करना है, जैसे कि ये फोन है इसके अंदर चीट कोड ऐड करना है। एंड इस बार के अपडेट में कार अपने गेम में ऑटो रिक्शा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो इसका जो सीक्रेट चीट कोमर वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। एंड अब आप लोगों को बता दूं अपने गेम में कौन से चीट कोमर से आप लोग एंडेवर कार को स्पॉन कर पाओगे। अपने गेम में एंडेवर कार का चीट कोमर तो रिलीज हो चुका है, तो मैं आप लोगों को वो बता देता हूं। अपने गेम में जो मॉडिफाई एंडेवर कार है उसका चीट कोमर भी 20-20 रहने वाला है, लेकिन आप लोग अपडेट से पहले अगर 20-20 डायल करोगे तो आप लोग अपने गेम में ये वाली एंडेवर कार देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग अपने न्यू अपडेट को कैसे करना वो तो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप लोग उससे पहले अपडेट को करने से पहले आप लोग गेम में ये वाली एंडेवर कार देखने को मिलेगी। एंड इस बार के अपडेट में जैसे आप लोग अपडेट करोगे तो आप लोग अपने गेम में ये वाली मॉडिफाई एंडेवर कार देखने को मिलेगी, और इस वाली मॉडिफाई के ऊपर आप लोग हल कलर कर सकते हो और आप लोग देख सकते हो ये वाली मॉडिफाई कितनी ज्यादा अमेजिंग और कितनी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो अपने गेम में ये वाली मॉडिफाई एंडेवर कार आने वाली है इस बार के अपडेट में। एंड आप लोगों को बता दूं अपने गेम में कौन से चीट कोमर से हम लोग न्यू जेट को स्पॉन कर सकते हैं और कौन से चीट कोमर जेट का होने वाला है। तो अपने गेम में फोन को निकालना है, उसके बाद आप लोगों को डायल करना है यहाँ पे जी, एंड उसके बाद लिखना है ई, एंड उसके बाद आप लोगों को लगाना है टी, ठीक है। जैसे आप लोग अपने गेम में जेट लिखोगे एंड टिक करोगे, उसके बाद आप लोगों को एक दो बार और लिखना है यही जेट, एंड उसके बाद आप लोगों को जब भी आप लोग अपने गेम में बड़ा वाला जेट स्पॉन होने वाला है, और जैसे आप लोग डायल करोगे और आसमान में देखोगे आप लोग को जेट देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। एंड अपने गेम में इसी तरह से आप लोग अपने गेम में जेट को एंजॉय कर सकते हो। बाकी अब आप लोग सोचेंगे अपने गेम में ये वाले जेट को हम लोग ड्राइव कैसे कर सकते हैं एंड इनको ड्राइव करने का क्या चीट कोमर देखने को मिलता है हमको। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं हमारे जो गेम के डेवलपर हैं अभी तो उन्होंने अपने गेम में ये वाले जेट को आप लोग स्पॉन करवा के एंजॉय कर सकते हो, और आप लोग देख सकते हो ये वाले जेट काफी ज्यादा यूनिक भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने गेम में इनको तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन अगर आप लोग को आसमान में उड़ना है तो उसके लिए आप लोग 3330 डायल करके इस तरीके से ये वाले जेट को स्पॉन करवा सकते हो एंड इस पर क्लिक करके आप लोग अपने गेम में इस तरीके से आसमान में उड़ सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं ये वाले जेट को आप लोग किस तरह से ले सकते हो एंड इनका चीट कोमर क्या होने वाला है। गाइस आप लोग काफी ज्यादा कमेंट करके बोल रहे थे अपने गेम में ये वाले जो जेट देखने को मिलते हैं इनको ड्राइव करने का ऑप्शन दिलवा दो भाई एंड अपने गेम में इनको ऐड करवा दो, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं जो हमारे गेम के डेवलपर हैं उन्होंने बोला अपने गेम में ऑलरेडी बहुत सारे व्हीकल्स हैं और ऑलरेडी बहुत सारी बाइक्स भी हमारे गेम में ऐड हैं। तो इस बार के अपडेट में उन्होंने बोला इस बार के अपडेट में आप लोगों को कोई भी बाइक एंड कोई भी आप लोगों को जेट देखने को नहीं मिला था। मैंने गेम के डेवलपर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी, बट इस बार के अपडेट में आप लोग अपने गेम में ये वाले जेट को ड्राइव नहीं कर पाओगे। एंड अभी आप लोग अपने गेम में आईजी टूल में चीट को मैं डायल करके जी ई एंड उसका टी डायल करके आप लोग इसी तरीके से जेट को स्पॉन करवा के आसमान में इसी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोग बता दूं और गेम के डेवलप की तरफ से ये भी मैसेज आया कि आने वाले अपडेट में आप लोग अपने गेम में इन जेट को भी इसी तरीके से ड्राइव कर पाओगे। तो यहाँ काफी ज्यादा यूनिक गुड न्यूज इस बार के अपडेट में तो नहीं, लेकिन सेकंड वाले अपडेट में आप लोग इनको ड्राइव कर पाएंगे एंड इस बार के अपडेट में आप लोगों को अपने गेम में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी और अपडेट कैसे करना है वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इस बार के अपडेट में आप लोग अपने गेम में ऑटो रिक्शा न्यू एंडेवर कार एंड इस बार के अपडेट में न्यू स्पाइडर एंड साथ ही इस बार के न्यू अपडेट में आप लोगों को अपने गेम में न्यू कार शोरूम एंड साथ ही अपने गेम में इस बार के अपडेट में जेट देखने को मिल भी सकता है या फिर नहीं भी देखने को मिल सकता है। 50% चांसेस अगर आप लोग चाहते हो अपने गेम में इस बार के अपडेट में मैं जेट को ऐड करूँ तो आप लोग जेट ओपी लिख देना, ज्यादा कमेंट होंगे तो इस बार के अपडेट में इसको जेट को भी मैं ऐड करवा दूंगा। और गाइस अभी आप लोग अपने गेम में बताना चाहूंगा कि न्यू अपडेट को कैसे कर सकते हैं, न्यू अपडेट को करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोगों को बता दूं आप लोग अपना न्यू अपडेट किसी भी सीक्रेट तरीके से नहीं कर सकते। मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी 12-1 बजे रात के, बट मुझे ऐसा कोई भी सीक्रेट सेटिंग नहीं पता चली जिससे कि मैं अपना न्यू अपडेट प्ले स्टोर से कर पाऊं। बट मैं आप लोग को बता दूं मेरे को ये तो पता चल गया कि आप लोग अपना न्यू अपडेट प्ले स्टोर से सीक्रेट तरीके से नहीं कर सकते। मैंने फिर गेम के डेवलपर सोचा कि सर अपना न्यू अपडेट कब तक देखने को मिल जाएगा हमें प्ले स्टोर में, तो सर की तब से मैसेज आ चुका कि आप लोगों को न्यू अपडेट 30 अप्रैल के दिन देखने को मिलने वाला है। 30 अप्रैल की रात को भी गेम के डेवलपर अपना प्ले स्टोर
स्टोर पे इनेबल कर देंगे न्यू अपडेट। एंड उसके बाद आप लोगों को अपने गेम में अगली एक तारीख के दिन आप लोगों का न्यू अपडेट प्ले स्टोर पे इनेबल होगा, मतलब रात को न्यू अपडेट प्ले स्टोर पे इनेबल होगा प्ले स्टोर में। एंड आप लोगों को सुबह तक अपना 1 मई तक आप लोगों को न्यू अपडेट प्ले स्टोर पे इजी तरीके से देखने को मिल जाएगा। अभी हमारे गेम के डेवलपर्स से कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन है, बाकी यार इनोवेक्स के अंदर जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई थी गेम के डेवलपर्स से वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी। एंड आप लोगों को कुछ नहीं करना, लाइक और सब्सक्राइब करना है। लाइक और सब्सक्राइब कर से आप लोग अपने गेम में न्यू चीट कॉमर मिस नहीं कर पाओगे, और जैसे न्यू अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोगों को अपने गेम में न्यू अपडेट के सारे चीट कॉमर रिलीज कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे वीडियो देखने के लिए। बाकी आप लोगों से मिलता हूं मैं सेकंड वीडियो में, जितने लेता हूं आप लोगों से गुड बाय, टेक केयर।